हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अगर आप मेरे चैनल पे नए से आए हो तो रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन होता है, उसे प्रेस कर लीजिए। बाद में बेल बटन आता है जी, उसको भी प्रेस कर लीजिए। जब मैं कोई भी नया वीडियो रखती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। बारिश बारिश का मौसम में तो हम कोई भी हेयर पैक नहीं लगा सकते, फिर भी हेयर बहुत ही चिपर चिपे रहते हैं, ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। हम तो कोई पैक तो नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत ही बारिश होता है ना, पैक लगाने का मन भी नहीं करता। फिर क्या करें, हेयर तो बहुत ही ड्राई होते हैं और रफ होते हैं। उन हेयर को निकालने के लिए मेरे पास एक अमेजिंग रेमेडी है, आपको भी बताऊँ। इसे यूज़ करने से ना आपके हेयर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आपको बनाना इजी है। इसके लगाने के बाद आपको इस बारिश के मौसम में ना बहुत ही अच्छा फील होता है और स्ट्रेस को भी निकाल देता है। ये वाला स्ट्रेस भी निकाल देता है, हेयर को जल्दी दुगनी तेज़ी से बढ़ने के लिए हेल्प करता है। हेयर भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इजी से इसे बनाकर लगा सकते हो। और हेयर तो आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और शाइनी भी होते हैं, हेयर भी ना दुगनी तेज़ी से भी बढ़ने लगते हैं। फिर ये अमेजिंग रेमेडी क्या है, चलिए देखते हैं। पहले तो मैं एक बाउल ली थी और इसमें मैं डाल रही हूँ कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल नहीं यूज़ करते हैं तो आपको जो पसंदीदा ऑयल होता है ना वो वाला ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बाउल को ना गर्म पानी में रखकर गर्म करना है, थोड़ा गुनगुना करना है, जैसे हम स्कैल्प पे अप्लाई करना है, इसलिए थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। इसमें मैं डाल रही हूँ एक अमेजिंग चीज़। आपके पास कोई भी हेयर ऑयल या कोई भी पैक या कोई भी इंग्रेडिएंट्स हो या ना हो, ये वाला तो ज़रूर आपके पास होना चाहिए। अगर आपका हेयर हेल्दी से लॉन्ग करना चाहते हो और हेयर फॉल को रोकना चाहते हो तो ये वाला ज़रूर आप ले लीजिए। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है ये, मैं ऑयल में डाल दी थी। इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी, थोड़ा सा, जैसे हम अप्लाई करने के लिए रेडी हो। इस रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को आप कोई भी सीरम में डाल सकते हो, इसी तरह से ऑयल में डालकर भी अप्लाई कर सकते हो। ये वाला तो आप ज़रूर मंगवा लीजिए, बहुत ही अच्छा होता है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। आप कोई भी मार्केट में ऑयल लेते हो तो, जैसे कामा, बहुत ही खरीद दाम वाले ऑयल लेते हो तो उसमें ज़रूर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल होता है और स्मेल भी ऐसे ही आता है। इसका गुडनेस ही होते हैं, सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं ना ऑयल्स उसमें, इसलिए रोजमेरी एसेंशियल ऑयल तो आप ज़रूर ले लीजिए। इसको आप शैम्पू में डालकर यूज़ कर सकते हो, इस तरह से ऑयल में डालकर यूज़ कर सकते हो, कोई भी सीरम कोई भी पैक डाल रहे हो तो उसमें थोड़ा सा डालकर यूज़ कर सकते हो। देखिए मेरे हेयर तो छूने पर बहुत ही चुपचुपा है, ड्राई है, डैमेज है। इस गुनगुना ऑयल को इस तरह से फिंगर टिप्स डिप करके आपके स्कैल्प पर इसी तरह से अच्छे से मसाज कर लीजिए। इसे गुनगुना अप्लाई करना है ओनली स्कैल्प पर और अच्छे से मसाज करना है। इसी तरह मसाज करने की वजह से हमारे स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही बढ़िया से होता है, इससे हमारे हेयर के रूट्स भी बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। जो भी हेयर फॉल होता है ना मानसून में, इस बारिश का मौसम में, वो सारा रुक जाता है। आपके हेयर भी बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट होते हैं, शाइनी से होते हैं। ये छोटी सी नुस्खा से आपको बहुत ही फ़ायदे मिलते हैं। अगर आपको हेयर फॉल हो तो हेयर फॉल भी रुक जाता है, हेयर भी ना दुगनी तेज़ी से बढ़ने के लिए भी ये वाला ऑयल अच्छे से यूज़ होता है। इसी तरह से चम्पी कर लीजिए, अच्छा सा ऑयल अप्लाई कर लीजिए हेयर को। इसे ना आप नाइट भर के लिए रख सकते हो या नहीं तो आप हेड बाथ के पहले एक दो घंटे आप अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। इतना अच्छा सा ऑयल अप्लाई कर ले करते हो तो आप मैक्सिमम 2 आवर्स रख दीजिए आपके हेयर पर, सारे हेयर पर इस ऑयल को अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। एक दो घंटे ऐसे ही छोड़ दीजिए या नहीं तो नाइट भर ऐसे ही छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे आप अच्छे से हेड बाथ कर लीजिए। आपके हेयर ना बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ये यकीन मानिए छोटा सा नुस्खा है, लेकिन आप हेयर ना बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। जितना भी ड्राई हेयर है, डैमेज हेयर है, वो सारे हट जाते हैं, हेयर तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और अच्छी बात है कि आपके हेयर भी बहुत ही लॉन्ग होते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। छोटा सा है लेकिन रामबाण जैसे काम करता है। इस वीडियो देखने के लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।